बताना चाहते हैं 2011 के पहले यहाँ पर तमाम वर्कर खुशहाल थे, आज हम लोग देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके पूरे फ्रेम कंपनी काम में के जो है वर्कर के ऊपर हमला किया जा रहा है, हमारे काम का जो है पूरा उसका बंद करने का साजिश हो रहा है, तो उसके हम लोग खिलाफ है। हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि 2011 में जो सरकार थी, ये सरकार जो है मजदूरों के हमेश में काम करती थी, गरीबों को लेकर काम करती थी, आज हम लोग देख रहे हैं कि देश को जो है दूर साझा कर दिया गया है, तो हमने जमीन से बेचा जा रहा है, परमात्मा के हाथ में जो है जमीन बेचा जा रहा है। लोगों से बात करते हैं, यहाँ के वर्कर से बात करते हैं, हम लोग ममता बनर्जी को कहना चाहते हैं कि ये एतजाज हम लोग का शुरू हुआ है, आज फिर काम में जीतू में हम लोग का एतजाज हो रहा है। आज के आइंदा दिनों बड़े पैमाने पर पूरे कलकत्ता में हम लोग एतजाज करेंगे, ये एक टेलर है, ये भी शुरुआत है, और हम लोग काम में को बंद होने नहीं देंगे, काम को जो है इसी पटरी में चलेगा, और मजदूर भाई और कामों में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी नौकरी को हम लोग बचाना चाहते हैं। हम लोग आइंदा दिनों जो है अभी माध्यमिक एग्जाम चल रहा है, हम लोग आइन वाइक लेकर जो है यहाँ पर हम लोग मजदूरी जो इम्तहान है उसको मद्देनजर रखते हुए हैंड मेक लगा कर जो हम लोग यहाँ पर एहतियात कर रहे हैं, और हमें उम्मीद करती है कि ये एक छोटा सा जो है हम लोग का तहरीक है, आने वाले दिनों में हजारों हजार की तादाद में लाखों की तादाद में दूसरा दृश्य होगा, और हम लोग जो है यहाँ की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि काम को जो है बंद करना नहीं चलेगा, ये जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ यहाँ पर दीदी जो है एक तरफ बर्बाद कर रही है बंगाल को, भूसादा रही है कई क्षेत्र में और कुछ नहीं उठ रहे हैं, पूरे कलकत्ते में भूसादा रंग कर रही है, कोई प्रख्या भी काम नहीं हुआ है, खाने पीने के चीजों का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, लोगों के पास अनाज नहीं है, लोगों के पास तनख्वाह नहीं है, और यहाँ पर जो है यहाँ की जो सरकार है यहाँ की सरकार जो है जमीन को बेच रही है, और भी बजट में बोल रही है, और भी बड़ा बड़ा कर्ज लेगी, बंगाल को कर्मचारी में डुबा देगी। हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं नए नए कल कारखाने, नौजवान के हाथ में नौकरी हो, मजदूर भाई के हाथ में नौकरी हो, हम लोग चाहते हैं गरीब आवाम जो है खाने पीने का चीज जो है कम दाम में करना होगा, तरह का दाम आसमान छुआ है, यहाँ की जो टूरिज्म सरकार है उनको शर्म नहीं आता है, आप अगर एक गैस का टैबलेट खाते हैं उसका भी दाम जो है 12 रुपए से ज्यादा होगा एक टैबलेट का, एक एक 10 पत्ता का दाम जो है 1400 रुपया है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, हम लोग का मान लो कि खाने का अनाज दो, लोगों को चावल दो, राशन का व्यवस्था कराओ, नौजवानों को नौकरी दो, यही मांग तो अगर हमने कराए कि नए नए कलकारा उन्होंने खोले, और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का सरकार आज कितना श्रम कर रहा थे, तुम्हें कहता था ना कि इन्हें प्रांत को उसके लीडरों को जेल ले जाएंगे, लेकिन अभी जो है 6 से 7 महीना हुआ तृणमूल कांग्रेस के तमाम के तमाम मदन मिश्रा सुदीप है, कौन कौन नहीं है, इकबाल अहमद है, कौन सरार एमएलए एमपी सब जो है जेल खट के आए हैं, और भी जेल खटेंगे, ये जो ग्रैंड होटल देख रहे हैं ना सामने में शादी वाली,